कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक बड़ा विशाल निर्जीव रेगिस्तान बन चुका है, जहां कोई पेड़, घास, पौधे, पक्षी, जानवर कुछ भी नहीं है। बस कुछ अजीब प्रकार के प्राणी चिमेरे की तरह यहां वहां घूम रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद सावधानी से देखने पर आपको एहसास होता है कि ये लोग हैं जो सिर से पैर की अंगुली तक शरीर को ढके हुए हैं। धूप का चश्मा, लंबे जूते, दस्ताने और टोपी, ताकि शरीर की कोई भी त्वचा खुली ना छूट जाए। ये सब सूर्य से खुद को बचाने के लिए है, जो पृथ्वी पर जीवन का दुश्मन बन चुका है। अब हमारे सूर्य का प्रकाश हमें आरामदायक गर्मी नहीं देता। इसकी किरणों को छूने वाली हर चीज नष्ट हो रही है। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी का दृश्य नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा होगा हमारी पृथ्वी पर जीवन, अगर पृथ्वी को ओजोन परत से वंचित कर दिया जाए। चलिए देखते हैं यह स्थिति कितनी वास्तविक है और क्या इससे बचा जा सकता है। शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि ओजोन परत वास्तव में है क्या। ओजोन एक नीले रंग की गैस है, जिसमें ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ स्मेल यानी गंध है। आप ताजगी से इस अनूठी सुगंध को पहचान सकते हैं। यह विशेष रूप से एक गुलदस्ते के समान है, जो अक्सर तूफान के बाद दिखाई देती है। ओजोन परत, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, यह गैस की एक परत है जो हमारे ग्रह को 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर कवर करती है। यह सूर्य से आने वाली अधिकांश पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अवशोषित कर लेती है, और इन हानिकारक विकिरणों के खिलाफ एक स्थिर और भरोसेमंद शील्ड के रूप में कार्य करती है। यह परत 600 मिलियन वर्ष पहले वायुमंडल में उभरी थी, और इसी ओजोन परत से जीवन समुद्र से जमीन पर सक्षम हुआ। प्रकृति ने गैस के इस फैलाव को पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए एक ढाल के समान बना दिया। यह ओजोन परत इतनी पतली है कि यदि हम वायुमंडल की सारी ओजोन गैस इकट्ठा कर इसे संकुलित और केंद्रित करें, तो हमारे पास सिर्फ 3 मिलीमीटर की एक पतली फिल्म होगी। तो क्या होगा अगर ओजोन परत और ज्यादा पतली हो जाए या पूरी तरह से गायब हो जाए? यदि ऐसा हुआ तो पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यह त्वचा के कैंसर का मुख्य कारण है। वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि वायुमंडल से ओजोन गैस का केवल 1% होने से बीमारियों में 2 से 3% की वृद्धि हो जाएगी, और बीमारियां अधिक गंभीर होने की संभावना है, जिससे घातक परिणाम आम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे ग्रह के उत्तर पूर्वी निवासी हैं, वे इन पराबैंगनी विकिरणों से पीड़ित होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हानिकारक रेडिएशन से होने वाले प्रभाव न केवल रेडिएशन के स्तर पर निर्भर करेंगे, बल्कि यह मानव शरीर की विशेष विशेषताओं और त्वचा के प्रकार पर भी निर्भर करेंगे। ऐसे लोग जिनकी त्वचा गोरी, लाल या सुनहरे रंग के बाल, नीले, भूरे या हरे रंग की आंखें होती हैं, वे लोग इन हानिकारक विकिरणों की चपेट में ज्यादा आएंगे। ऐसे लोग इस तरह के हानिकारक प्रभावों को सहने में अधिक कमजोर होते हैं। हमारा शरीर आमतौर पर अमीनो एसिड टायरोसिन को पिगमेंट मेलानिन में कन्वर्ट करता है, जो यूवी विकिरणों के खिलाफ हमें बचाता है। यह इस तरह के लोगों में बहुत कम पैदा होता है। यूवी रेडिएशंस के अधिक होने पर हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे बहुत से ऑक्नोलॉजिकल रोगों की शुरुआत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी, और ग्रह के कई निवासियों को इस विनाश को देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। यूवी किरणों के संपर्क में आने से आंखों की बीमारियों का अभूतपूर्व प्रकोप होगा, सबसे विशेष रूप से अंधापन, और न केवल उन लोगों को जो ओजोन के शील्ड के बिना पीड़ित होंगे, बल्कि यह प्रमाणित भी हो चुका है कि यूवी रेडिएशंस के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में पौधे भी आकार बदलते हैं, और हो सकता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता खो दें, जिससे पेड़ स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यूवी किरणें छोटे झींगों, केंकड़ों, शैवाल आदि के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, लेकिन सबसे गंभीर रूप से पृथ्वी पर प्लैंकटन यानी ऐसे अति सूक्ष्म जीव जो समुद्रों, नदियों और झीलों के पानी में तैरते हुए मिलते हैं, समाप्त हो जाएंगे, जो वैश्विक खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही इस विकिरण के शक्तिशाली प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में कन्वर्जन भी समाप्त हो जाएगा, जिससे अधिकांश ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और पूरे विश्व का इकोसिस्टम बाधित हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन परत का पतला होना जलवायु आपदा का कारण भी बन सकता है। ओजोन परत अर्थ रेडिएशंस का लगभग 20% वापस रिफ्लेक्ट करती है, और गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। जैसे ही ओजोन परत वायुमंडल से गायब होगी,
एयर टेम्परेचर कम होगा, जिससे हवाओं की दिशा और मौसम बदलने में कमी आएगी। नतीजा, दुनिया भर में सूखा होगा और फसल पैदावार में विफलता, भोजन में कमी और अकाल होगा। यह प्रलय शायद समय से पहले ही आ चुकी है। कुछ दशकों पहले ओजोन परत में विशाल छेद थे, सौभाग्य से वैज्ञानिकों ने उन्हें समय रहते देख लिया और चेतावनी भी दी। ओजोन परत में इन विशाल गैप का पहला एहसास सन 1985 में हुआ। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका पर ओजोन परत में एक बड़ा गैप खोजा, फिर आर्कटिक पर कई छोटे छोटे छेद दर्ज किए गए। यह सिर्फ 2,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में थे। वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए तैयार हुए कि पृथ्वी की ओजोन परत अचानक इतनी कमजोर क्यों हो गई है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया कि इन बदलावों के लिए प्रकृति दोषी है। यह ज्ञात है कि ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप ओजोन परत नष्ट हो सकती है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ग्रह के ज्वालामुखी विस्फोट ओजोन परत में ऐसे विशाल छेद करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। शोध से पता चला कि मानव गतिविधियों में गलती थी। उन्हें एहसास हुआ कि ओजोन परत नाइट्रोजन उर्वरकों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, जो एग्रीकल्चर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। परमाणु विस्फोट भी हमारी ओजोन शील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि सिर्फ 1.5 मेगाटन की क्षमता वाले परमाणु हमलों से ओजोन परत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और कैंसर की घटनाओं में 3 गुना वृद्धि होगी। हमारी सुरक्षात्मक ओजोन परत जेट विमानों और अंतरिक्षयान लॉन्च द्वारा भी फट रही है। जो पदार्थ जेट प्रपल्शन के समय निकलते हैं, ओजोन परत को तेजी से नष्ट कर रहे हैं। और यह अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ एक स्पेस शटल के लॉन्च से ही वायुमंडल में 100 टन से अधिक क्लोरीन और अन्य कंपाउंड फैल रहे हैं। वायुमंडल में गैसों की यह निकासी 10 मिलियन टन से अधिक ओजोन को नष्ट करने में सक्षम है। यदि एक के बाद एक 300 अंतरिक्षयानों की श्रृंखला अंतरिक्ष में भेजी जाए, तो हमारी ओजोन परत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी। अभी तक इनमें से कोई भी आपदा का मुख्य कारण नहीं है। 1974 में वैज्ञानिकों और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने पहले ही खोज लिया था कि ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे फ्रियॉन्स भी कहा जाता है, जो लगभग हर तरह के रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में उपयोग किया जाता है। इस तरह की एक महत्वपूर्ण खोज के लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ओजोन परत में गैप की मरम्मत और नए गैप के फॉर्मेशन को रोकने के लिए सन 1987 में इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट को अपनाया गया। यह उन पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है जो ओजोन परत को कम करते हैं। 2010 तक फ्रियॉन्स की पूरी लिस्ट तैयार की गई और बैन लगाने की योजना बनाई गई। बेशक हम अपने रेफ्रिजरेटर्स, कंडीशनर्स, क्लीनर्स, डिओड्रेंट्स, एरोसोल्स और फ्रियॉन्स का उपयोग करने वाली अन्य सभी आधुनिक आवश्यकताओं के बिना नहीं जी सकते, लेकिन एरोसोल्स के विकल्प के रूप में हमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण मिल चुका है। कूलिंग प्लांट्स में अब हम अमोनिया यूज करते हैं। फलस्वरूप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ओजोन परत में गैप काफी कम हो गया है, जिससे 10-15% तक स्किन कैंसर की घटनाओं में कमी आई है। अगर 2013 तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, तो आर्कटिक के ऊपर ये गैप 40% तक बढ़ सकता था और दुनिया के सभी हिस्सों में ओजोन परत बहुत पतली हो गई होती। लेकिन अभी इस सफलता पर जश्न मनाना बहुत जल्दबाजी होगी। हाल ही में लिए गए आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है और शोधकर्ता सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और मौसम विभाग के आंकड़ों का अध्ययन कर इस कारण की खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अंटार्कटिका की हवा में असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में डाइक्लोरोमीथेन है। यह रासायनिक खाद्य उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय रीएजेंट्स में से एक है। हाल ही के वर्षों में वातावरण में इसकी मात्रा दोगुनी हो गई है। हालांकि इस बात पर अभी भी संशय है कि इसके उत्सर्जन में इतनी तेजी क्यों आई है। इससे पहले शायद ही इस पदार्थ पर कभी ध्यान दिया गया था, क्योंकि इसके अणु वायुमंडल में काफी तेजी से क्षय हो जाते हैं, मुख्य रूप से सूरज की रोशनी के प्रभाव में। इसी कारण से डाइक्लोरोमीथेन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। मई 2018 में वैज्ञानिकों ने मॉन्ट्रियल में समझौते पर प्रतिबंध लगाए गए एक और हानिकारक पदार्थ CFC-11 के उत्सर्जन में तेज वृद्धि दर्ज की। यह पता चला कि CFC-11 का इस्तेमाल पैसे बचाने के लिए चीन के कई छोटे कारखानों द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा है। कारखानों के मालिक इस पर्यावरण के लिए खतरनाक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ की तुलना में
कम दाम में खरीदते हैं और मुनाफा पाते हैं, तो ओजोन परत को बनाए रखने का प्रयास हमें जारी रखना होगा। हाल ही में ओजोन परत को आर्टिफिशियली भरने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था। इस परियोजना के ऑथर्स के अनुसार ऐसा करने के लिए कृत्रिम रूप से ओजोन का उत्पादन करना होगा और फिर 12 से 30 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर वातावरण में ओजोन को स्प्रे करने के लिए विमान का उपयोग करना होगा। हालांकि यह कार्य आश्चर्यजनक रूप से महंगा होगा, इसलिए इस समय ओजोन परत में ओजोन की एक बड़ी मात्रा को जोड़ना हमारी सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए असंभव है। जाहिर है यह सबसे अच्छा है कि हम ओजोन परत को कम करने वाले इन सोर्सेज के खिलाफ लड़ाई में अपनी सारी शक्ति झोंक दें, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले ओजोन के लिए हानिकारक कंपाउंड्स जैसे डाइक्लोरोमीथेन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा, ताकि मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के अनुसार ओजोन परत में गैप सील हो सके। लोगों को भी केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक में बदलने और वायुमंडल के लिए सुरक्षित जेट इंजन विकसित करने के बारे में सोचना होगा, अन्यथा जितने भी प्रकृति हमने हासिल की है वह पलक झपकते ही सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन शोधकर्ताओं की गणना के अनुसार ओजोन परत को पूरी तरह से ठीक होने में कई दशकों का समय लग जाएगा और हमें समय और धन का बड़ा सौदा करना होगा, लेकिन फिर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को ओजोन परत की सुरक्षात्मक शील्ड के रहते सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अपनी त्वचा के हर सेंटीमीटर को छुपाए रखने की जरूरत नहीं होगी। वे जीवन को सामान्य रूप से जीने में सक्षम होंगे और हमारा भविष्य खुशहाल सुनहरी उपज के समान होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ गुड बाय।